हेलो टीचर्स, इस वीडियो में मैं आप सबको लाइव वर्कशीट्स कैसे क्रिएट करना है और बच्चों के साथ शेयर करना है बताने जा रही हूँ। तो आप सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे और वहाँ पे लाइव वर्कशीट्स टाइप करेंगे। जैसे ही आप लाइव वर्कशीट्स टाइप करते हैं, अपने आप आपका जो ये वेबसाइट है वो खुल जाएगा। सबसे ऊपर में जो दिख रहा है आपको लाइव वर्कशीट्स .com इंटरेक्टिव वर्कशीट्स मेकर फॉर ऑल, ये आप खोल लीजिए। तो ये आ गया अपना लाइव वर्कशीट्स का मेन होम पेज। अब इस पे हमें जाके खुद को रजिस्टर करना होता है। आप बिना रजिस्टर किए आप यहाँ से इंटरेक्टिव वर्कशीट्स दूसरों के द्वारा बनाए हुए आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम जब खुद की वर्कशीट्स क्रिएट करते हैं तो वो एक अलग जॉय है। और हम स्पेसिफिक टॉपिक्स या स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से अपनी वर्कशीट्स क्रिएट कर पाएंगे। किसी भी वेबसाइट पे काम करने से पहले आपको उसे एक्सेस करने के लिए उस पर रजिस्टर करना होगा। तो जैसे मैंने ये साइट पे खुद को पहले से रजिस्टर रखा है, लेकिन मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। सबसे नीचे में देखिए एंटर के नीचे लिखा है रजिस्टर, उसे हमने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका रजिस्टर का एक पेज खुल जाएगा, रजिस्टर नाउ एंड स्टार्ट गिविंग लाइव टू योर वर्कशीट्स। अब इसमें कौन से इन्फॉर्मेशन मांगे गए हैं, आपको एक यूजर नेम देना है कोई भी छोटा सा जो कि आपके शीट्स पे दिखेंगे जब आप वर्क करेंगे। आपका पासवर्ड जो भी आप देना चाहे उसको आप दो बार लिखेंगे, रिपीट करेंगे। आपका ईमेल आईडी उसे भी दो बार आपको लिखना है फॉर रिपीटेशन और कंफर्मेशन, और आपकी कंट्री जो कि इंडिया है। और साथ में आपको यहाँ पे जमा देने से पहले आपको यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट के बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। इसके अलावा आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। चाहे आपका फुल नेम हो, आपकी कुछ आईडीज हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, और ये सारी चीज़ों को फिल करने के बाद में आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ यूज जो ये बॉक्स है इसे क्लिक करना ना भूले, एंड देन यू रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद आपका जो लाइव वर्कशीट्स की तरफ से एक मैसेज है वो आपके ईमेल में आएगा, एंड यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। यहाँ तक आपको करने के बाद आप अब इसमें लॉग इन कर सकते हैं। अब मैं अपने वर्कशीट पे लॉगिन करती हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं श्वेत्स यहाँ दिख रहा है, यानी कि मेरे वर्कशीट साइट पे मैं लॉगिन कर चुकी हूँ। जब भी आपको इस पे काम ना करना हो आप इसमें से लास्ट में जाके लॉगआउट भी आप कर सकते हैं। किसी भी वर्कशीट को लाइव बनाने से पहले आपको वर्कशीट्स क्रिएट करना होगा, और वो वर्कशीट्स आप वर्ड फाइल पे क्रिएट करके आप उसे पीडीएफ में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम वो देखेंगे और फिर हम वापस आकर देखेंगे को उस वर्कशीट को हम लाइव या इंटरेक्टिव वर्कशीट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं एक वर्ड फाइल पे और देखते हैं कि शीट्स कैसे क्रिएट करना है। जैसे मैंने ये शीट पहले से क्रिएट कर रखा है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के रूप में एक बार दिखा देती हूँ। लेट अस क्रिएट अ न्यू शीट। आप वर्ड फाइल ओपन करने के बाद फाइल में जाए और आप एक न्यू शीट ओपन करें, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम शुरू से ही क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमने एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया। अब इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे यदि आप चाहे कि आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का लोगो या जो नाम है वो वगैरह ऊपर में रहे, तो आप इसे सिंपली टाइप भी कर सकते हैं, या फिर आप एक इसे शेप भी दे सकते हैं। जैसे कि होम के पास इंसर्ट है, थोड़ा सा वर्कशीट को आकर्षक बनाने के लिए हम चलिए एक शेप इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट में आपको शेप्स यहाँ दिख रहे हैं, ये ड्रॉप डाउन एरो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे शेप्स दिखेंगे। उसमें से मैं रेक्टेंगल चूज कर रही हूँ, और मैं एक रेक्टेंगल बिल्कुल ऊपर में एज अ हेडर में क्लिक कर लेती हूँ। अब मुझे इसका कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, शेप फिल एंड शेप आउटलाइन। आप दोनों पे जाकर आप इसके कलर या फिर आप इसके आउटलाइंस को, अगर आप आउटलाइन ना चाहे तो नो आउटलाइन भी आप कर सकते हैं। ये हमारा हेडर तैयार है। अब इसके ऊपर हमें लिखना है, फिर वापस हम जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाके हम टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स में बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, लेकिन हम चूज करेंगे सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। ये हमारा सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है। इस पर हम स्कूल का नाम लिख देते हैं, और इसके बाद में आप इसका क्लास लिख दें जिस क्लास की ये वर्कशीट है। आप इसका सब्जेक्ट लिख दें या टॉपिक लिख दें, जैसे कि मैं यहाँ सब्जेक्ट लिख रही हूँ और मैं इसका टॉपिक लिख देती हूँ। ये सारे को हम एक ही लाइन में ड्रैग करके हम इसे फिट कर सकते हैं,
और फिट करने के बाद में इसे आप चूज़ कीजिए कंट्रोल ए से, या आप ऐसे भी सिलेक्ट करें, और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन एरो जो साइन है इसके साथ आप फॉन्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसे ना बढ़ा सके तो फिर आप होम में जाकर भी आप इसके फॉन्ट साइज़ को या फॉन्ट टाइप को आप बदल दें, जो भी आपको फॉन्ट सुंदर लगे। थोड़ा सा ब्राइट डार्क होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ताकि बच्चों को आसानी से दिखे। और फिर आप इसकी अलाइनमेंट कर ले सेंटरिंग में कंट्रोल प्लस सी करके। तो ये हमारा बन चुका है हेडिंग। अब इस हेडर को मूव करने के लिए आप याद रखें, ये राइट में जो आपको ये लेआउट ऑप्शंस दिखती है इसे आप क्लिक करें, और क्लिक करके आप विथ टेक्स्ट रैपिंग का जो सेकंड ऑप्शन है उसको आप टॉप एंड बॉटम वाला चूज कर लिया करें, एंड फिक्स पोजिशन। मैं फिर दोहरा रही हूँ, टॉप एंड बॉटम और फिक्स पोजीशन। जब ये दो ऑप्शन आप क्लिक कर लेते हैं तो आपका ये जो वर्डिंग है ये कहीं भी ड्रैग होकर आपके साथ चला जाएगा। अब इसको हम नोटिस कर रहे हैं कि इसके खुद के बॉर्डर्स आ रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम राइट क्लिक करते हैं इस पे, और राइट क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है फिल, तो ये फिल को हम कर देते हैं नो फिल, और यहाँ आ रहा है आउटलाइन, इसे हम कर देते हैं नो आउटलाइन। अब आपकी जो शेप है और आपने जो लिखा है वो दोनों बिल्कुल एक समान एक ही जगह पे लग रहे हैं, ऐसा दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। ये इस तरह से आपने अगर कर दिया, अगर आप चाहे तो आप इस कोने पे अपना एक इंसर्ट पिक्चर करके आप खुद का एक लोगो अगर डिजाइन करके रखे हैं तो फिर आप वो भी यहाँ लगा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे लिखने के हिस्से पे, तो फिर हम एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, सेम टेक्स्ट बॉक्स जो हमने पहले चूज किया था, उसके सेटिंग्स आप फिर वही कर देंगे, टॉप एंड बॉटम एंड फिक्स पोजिशन, और आप इसे ड्रैग करके जितनी जगह शीट पे है आप उतना इसे कवर कर ले, ताकि आप पूरे शीट को यूटिलाइज कर सके अपनी वर्कशीट को बनाने के लिए। तो ये पूरी शीट को हमने ऐसे कवर कर लिया, और कवर करके अब इस पर हम मान लेते हैं कि सबसे सिंपल जो एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स वो हम करते हैं। ये चीज़ करने के पहले अगर आप एक और चीज़ चाहते हैं कि आपके पास कोई YouTube वीडियो का लिंक है जो आपने खुद क्रिएट किया है या आपके पास अवेलेबल है, बच्चे उसको देखें और फिर वो सवालों के जवाब दें, तो आप इसके लिए क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसके साइज़ को बड़ा करने के लिए कंट्रोल ए से इसे सिलेक्ट करेंगे, और हम होम में जाकर जितना बड़ा इसका फॉन्ट साइज़ चाहे वो ले लेते हैं, और इसके साथ इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो कोई एक आप विशेष चुन लें, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और लिखने के बाद थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे एंटर के माध्यम से, ताकि वहाँ पे हम वीडियो के लिंक को वर्कशीट पे पेस्ट कर सकें। यहाँ पे आप भी वीडियो के लिंक को पेस्ट ना करें, वो हम डायरेक्टली जाके इंटरेक्टिव वर्कशीट्स पे ही हम पेस्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं सवालों पे। चलिए कोई भी सवाल इसमें है, गर्ल वॉज, और यहाँ पे हमने एक ब्लैंक देना है। तो ये जो ब्लैंक है ये हम जनरली ऐसे देते हैं, लेकिन इसमें अगर हम बॉक्स बना दें तो बच्चों के लिए बहुत क्लियर रहता है कि हमें इस बॉक्स के अंदर में लिखना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक खाली स्थान छोड़ देते हैं, चले जाते हैं दूसरे सवाल पे, और सवालों के बीच थोड़ी सी जगह ज़्यादा रखिए, डबल एंटर। कुछ और सवाल वैसे ही क्रिएट कर देते हैं, और जहाँ पे हमें ब्लैंक देना है वहाँ पे हम स्पेस छोड़ देंगे। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ब्लैंक जगह पे हमें करना क्या है। जब आपने सारे फिर इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस आपने टाइप कर लिए, आप दोबारा चले जाए होम के बगल में इंसर्ट पे शेप्स पे, और शेप्स पे आप देखिए राउंडेड कॉर्नर्स वाले आपको रेक्टेंगल दिखेंगे ओवल के बिल्कुल पास, आप उसे चूज कर ले, रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स, और चूज करके जहाँ आपको ब्लैंक देना है वहाँ पे आप ड्रैग करके जितनी बड़ी आपको ब्लैंक चाहिए उतनी बड़ी ब्लैंक आप बना दें। अब इस बॉक्स के कलर को थोड़ा सा अगर आप लाइट रखें तो वो बेहतर, ताकि बच्चे जो भी लिखे वो क्लियरली दिखे। तो इसके लिए फिर ऊपर में आप शेप फिल में जाकर आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं जो आपको हल्का लग रहा हो, बच्चे को जो आँख में न चुभे, तो ऐसे कोई भी कलर हम कर लेते हैं। और शेप आउटलाइन अगर आप कुछ और भी देना चाहेंगे तो फिर आप शेप आउटलाइन पे जाकर भी आप कलर को चेंज कर सकते हैं। जब ही आपने बॉक्स बनाया, बॉक्स के लेआउट ऑप्शंस को आप चेंज कर दें, टॉप एंड बॉटम, फिक्स पोजिशन, और फिर आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में आप इसे कहीं भी ले जाकर अगर आप कंट्रोल वी करेंगे तो फिर वो पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप बना सकते हैं शीट के अंत तक, और नीचे में यदि आप चाहते हैं कि हम सारे वर्ड्स को कीवर्ड्स के रूप में हम दें, तो उसके लिए भी आप बहुत आसानी से एक शेप को इंसर्ट कर ले
बिल्कुल बॉटम में, और शेप को इंसर्ट करने के बाद में इसकी कलर को आप चेंज कर ले, जो भी आप कलर इसमें डालना चाहते हैं। और इसके ऊपर में फिर आप इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स में सिंपल टेक्स्ट बॉक्स हमने चूज़ किया। चूज़ करने के बाद में हम इसके बॉक्स को नीचे लाते हैं, और लाने के बाद इसे हम वहीं फिट करेंगे जहाँ पर हमारा शेप है, लेकिन उसके पहले हम इसके लेआउट ऑप्शंस को चेंज कर लेंगे, टॉप एंड बॉटम एंड फिक्स पोजीशन। अब इस बॉक्स को हम यहाँ इसके ऊपर जब लाते हैं तो हमें फिर इसके शेप के फिल और कंटेंट को हमें हटाना पड़ेगा, तो हम इसे नो फिल और नो आउटलाइन कर देंगे। करने के बाद में आप इसे ड्रैग करके पहले बॉक्स के ऊपर में इसे फिट कर ले जहाँ भी आप बैठाना चाहेंगे, और सेट करने के बाद में आपने जो वर्ड्स बच्चों को कीवर्ड्स देना है वो आप यहाँ पे कर ले। दो वर्ड हमने रैंडमली कुछ डाला, एंड वी कैन जस्ट इंक्रीज द साइज, वी कैन इंक्रीज द फॉन्ट और कलर। तो आपका जो वर्कशीट है वो इस तरह से सेव आपका ये तैयार जब हो जाता है, मैं आपको एक कंप्लीट वर्कशीट दिखाती हूँ। तो ये आपका कंप्लीट एक वर्कशीट है जिसमें मैंने एक वीडियो के लिए स्पेस डाला हुआ है, और मैंने कुछ पिक्चर्स भी इंसर्ट किए हैं। आप चाहे तो आप इंसर्ट पे जाकर पिक्चर्स पर आप ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम ऑनलाइन पिक्चर्स क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा, सर्च बिंग, इस पर आप क्लिक करके जिस चीज़ की भी तस्वीर आपको चाहिए, जैसे मुझे यदि लैम्प चाहिए और मुझे क्लिप आर्ट चाहिए तो फिर मैं क्लिप आर्ट भी लिख दूंगी। लैम्प का मुझे क्लिप आर्ट चाहिए, क्लिप आर्ट इमेजेस अच्छे लगते हैं बच्चों को, एनिमेटेड होते हैं। हमने सर्च मारा, और जैसे ही हम लैम्प क्लिक आर्ट सर्च करेंगे आपको जितने भी उनके पास अवेलेबल है वो सारे आपको दिख जाएंगे। किसी भी एक लैम्प को मैंने चूज़ किया, मान लीजिए इसको मैंने लेना है, मैंने इसे सिलेक्ट किया और इंसर्ट ऑप्शन मैंने प्रेस किया। इंसर्ट ऑप्शन प्रेस करते ही वो जो लैम्प है वो हमारी शीट पे आ जाएगा, लेकिन उसे हमें पहले इसकी लेआउट को चेंज करते हुए बैठाना होगा। तो देखिए इसमें फिर लेआउट वाला ऑप्शन आपके पास आ गया, तो इसका टॉप एंड बॉटम और इसका जो फिक्स पोजिशन है ये हमने सबके लिए कॉमन करना है। अब इसके कॉर्नर को पकड़ के हमें ड्रैग करना है, इतना छोटा बनाना है कि वो जहाँ भी हमें चाहिए वहाँ पे हम इसे बैठा सके। मान लेती हूँ यहाँ पे मुझे बैठाना है तो मैंने इसको बैठा लिया। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि पूरे शीट पे मैंने और भी पिक्चर्स यूज़ की हैं ताकि बच्चों को एक हिंट मिल सके कि इस ब्लैंक में क्या भरना है, कीवर्ड्स के अलावा भी। तो इससे आपकी शीट काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। फिलहाल इस लैम्प को मैं हटा देती हूँ, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, और अब इसे मैं सेव करूँगी। तो एक तो आपने सेव एज करना है, जो आपका नाम है वर्कशीट का वो आप जाके दिस पीसी पे जहाँ भी आप चाहे आप वहाँ जाकर आप उसे सेव कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर कभी भी आपको कुछ वर्कशीट में चेंज करने की ज़रूरत हो तो फिर आप कब उसको एक्सेस कर सकते। तो ये ऐसे हमने क्लास 3 यूनिट 1 भी नाम लगा, मैंने सेव हमने सेव कर दिया, लेकिन हमें इसे चेंज करना है पीडीएफ में। तो वापस आप फाइल पर जाए, फाइल पर जाकर आप देखिए आपके नीचे में दिया है प्रिंट, शेयर और फिर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा क्रिएट पीडीएफ, ऊपर भी है, तो आप इसे चूज़ कर लीजिए। चूज़ करते ही आपके पास में पीडीएफ फाइल का स्ट्रेट ऑप्शन आ जाता है, आप उसी नाम से सेव कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कर देंगे इसे पब्लिश। तो ये जो शीट है अब ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम जाएंगे अपने वर्कशीट्स के साइट पे और हम इसे बनाएंगे इंटरैक्टिव वर्कशीट। तो चलिए हम आ चुके हैं लाइव वर्कशीट्स के साइट पे, और यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है मेक इंटरैक्टिव वर्कशीट्स ट्यूटोरियल वीडियो ट्यूटोरियल, लेकिन आप अब शुरू करना चाहते हैं खुद से तो फिर आप स्ट्रेट अवे चूज करेंगे गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड हमने चूज किया। चूज करते ही आपसे पीडीएफ मांगा जाएगा कि आप कौन से फाइल पे काम करना चाहते हैं। चूज फाइल, नो फाइल चोजन, तो हम पीडीएफ ले रहे हैं। जो ऑप्शन है आपके पास फॉर्मेट में आप पीडीएफ, जेपीजी या पीएनजी ले सकते हैं। तो चूज फाइल में हम जाते हैं और जिस शीट पे हमें काम करना है उस शीट को हम चुन लेते हैं। पीडीएफ फाइल ही आपको चूज करना है, ये आप याद रखिएगा। जैसे ही आपका फाइल नेम यहाँ दिखने लगे यानी कि आपका शीट अपलोड करने का टाइम आ चुका है, अब हम इसे अपलोड करेंगे। सो चूज फाइल एंड अपलोड, ये दो आपको दो फर्स्ट टू स्टेप्स के रूप में करना है। जैसे ही आपने अपलोड किया आपका ये शीट अब एडिटिंग के लिए रेडी है। अब इस पे हम एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग के लिए देखिए ऊपर के जो बटन्स हैं, ये प्रीव्यू बटन है, इसके बाद ये सेव है,
ये है आपका डिस्कार्ड बटन जब आपको शीट सही नहीं लगता है, और एक इसमें एक और ऑप्शन है अपडेट बैकग्राउंड, यानी कि यदि आपने जो बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट लिया है आप बाद में इसे चेंज करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसमें कमांड्स वही रह जाएंगे लेकिन आपके पीछे की डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगी। हमने पहला क्वेश्चन दिया था वॉच द वीडियो केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो हमें अब यूआरएल लिंक जो यूट्यूब का है वो डालने के लिए यहाँ पे स्पेस बनाना है। तो आपका कर्सर इंटरैक्टिव वर्कशीट साइट्स पे प्लस के रूप में ही दिखेगा। तो जितनी बड़ी आपकी स्क्रीन यूट्यूब की आप चाहते हैं उतना बड़ा ड्रैग करके आप यहाँ पे एक पोजिशन उसकी बना ले। मान लेती हूँ कि इतनी बड़ी स्क्रीन मुझे चाहिए। ये रहा हमारा यूट्यूब लिंक जो हमें इस वर्कशीट में देना है। इसके वीडियो को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी वीडियो यूआरएल। कॉपी करने के बाद आप वापस इंटरेक्टिव वर्कशीट्स के विंडो पे आप चले जाए। पे आपने बॉक्स बनाया था वहाँ पे आप क्लिक करके इसे इस लिंक को आप पेस्ट कर ले कंट्रोल वी के साथ। ये लिंक आपका साइड में कोने में छोटा सा दिखेगा लेकिन जब आप इस वर्कशीट को प्रीव्यू करेंगे तो ये फुल वीडियो आपको दिखेगा। जितनी बड़ी आपने बॉक्स बनाई है उतना बड़ा आपको वीडियो का स्क्रीन दिखेगा। अब आ जाते हैं आंसर्स को भरने की बारी। तो ये जो भी फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस है जहाँ भी आपको इसके राइट आंसर्स डालने हैं आप उस बॉक्स को बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर ले बिल्कुल एज टू एज ताकि वो नीट हो और आपके जो आंसर्स हैं जैसे कि मोना इज इल शी इज स्लीपिंग ऑन हर, यहाँ पे जो आंसर है वो हमने लिख देना है बेड। इस तरह और भी जितने भी आपके आंसर्स हैं एक और हम यहाँ लिख लेते हैं। जो भी आपके आंसर्स हैं आप उस ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे ड्रैग करके और फिर आपको जो इसके वर्ड्स लगते हैं वो आप इसमें डाल देंगे और इस तरह से पूरी शीट को आप कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें देखना है कि हमारा शीट कैसा लगेगा जब बच्चे उसे फिल करेंगे। वर्कशीट के पैनल के ऊपर में प्रीव्यू बटन पर आप क्लिक करें आपको ये शीट प्रीव्यू में दिखेगी वर्कशीट प्रीव्यू। तो देखिए हमने जहाँ लिंक डाला था वहाँ पे अगर मैं इसे क्लिक करती हूँ तो ये वीडियो अपने आप प्ले होने लगता है। जब बच्चों को ज़रूरत होगी बच्चे प्ले करेंगे वीडियो को देखेंगे। और अब बच्चे ने जब आंसर भरना शुरू किया है लाइक हमने जो पहला आंसर था वो हमने बेड भरा था लेकिन अब आप ये नोटिस कर रहे हैं फिर इन द ब्लैंक के जो ब्लैंक्स पे लिखने वाले जो लेटर्स हैं वो बहुत छोटे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है आप इसी बॉक्स में राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको फॉन्ट कौन सा चेंज करना है। तो कोई भी अच्छे से फॉन्ट आप चूज कर ले बहुत सारे फॉन्ट्स हैं इसमें। आप साइज 28 32 30 रखिए बड़े जितने होंगे बच्चे के लिए उतनी आसानी होगी मोबाइल के स्क्रीन पे उन्हें देखने में। और फॉन्ट कलर जो फर्स्ट में है वो आप क्लिक करें तो आप किस रंग में चाहते हैं कि बच्चे का जो ब्लैंक में वर्ड है वो दिखे वो कलर आप चूज कर लीजिए। और चूज करने के बाद में अप्लाई टू द होल वर्कशीट आप क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। उसको आप जैसे ही बॉक्स में टिक लगा देंगे तो ये पूरे वर्कशीट पे लागू होगा। तो देखिए आपका जो वर्ड है वो अब जो छोटा था वो बड़ा हो गया और परमानेंट हो गया और कलर भी चेंज है। उसी प्रकार से नेक्स्ट बॉक्स में भी जब मैं वर्ड को टाइप करूँगी तो ये बिल्कुल उस तरह से दिखने लगता है। तो यानी इस तरह से आपकी पूरी वर्कशीट को आपने कंप्लीट कर लेना है और कंप्लीट करने के बाद में वर्कशीट ऑटोमेटिकली 10 पे ही इसकी नंबरिंग होती है। आप कोशिश करें कि 10 नंबर के ही क्वेश्चंस आपके एक वर्कशीट पर रहे। जब हम वर्कशीट को फिनिश करते हैं जैसे ही आपने फिनिश बटन क्लिक किया आपको प्रीव्यू के जो ऑप्शन है वो दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए मार्क्स खुद ब खुद आ गया जितना हमने भरा था उसके हिसाब से। जो गलत थे वो रेड में दिखेंगे और जो सही आंसर्स हैं वो आपके ग्रीन में यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वर्कशीट अगर आपके हिसाब से कंप्लीट है अब हम इसे लाइव करेंगे यानी कि अब हम इसे शेयर करेंगे दूसरों के साथ में। तो लाइव करने के लिए आपका क्या ऑप्शन है वर्कशीट पैनल का जो थर्ड बटन है वो है सेव। आप उसे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके पास में दो ऑप्शन है कि क्या आप ये वर्कशीट शेयर करना चाहते हैं टीचर्स के साथ या नहीं। तो याद रखें कि आप सिर्फ 30 वर्कशीट से प्राइवेट रख सकते हैं किसी फ्री अकाउंट में। तो इसे शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है ताकि बाकी टीचर्स भी आपके वर्कशीट को यूज़ कर सके। तो हमने इसे क्लिक कर देना है यस। क्लिक करने के बाद में अब आपको इस वर्कशीट की इंफॉर्मेशन पुट इन करनी है। सबसे पहला है टाइटल ये वर्कशीट का टॉपिक क्या है। तो हमने जैसे नाउन्स चूज किया था तो हम इस पर नाउन्स लिख देते हैं।
लैंग्वेज इसकी इंग्लिश ही है तो हम इंग्लिश लिखते हैं, अगर आपने हिंदी में बनाया है तो फिर आप हिंदी लिख देंगे, या कोई भी लोकल लैंग्वेज जो आपको वहाँ अवेलेबल मिले। स्कूल सब्जेक्ट में जैसे ये इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश या सेकेंड लैंग्वेज है, तो फिर मैं इसमें इंग्लिश या सेकेंड लैंग्वेज ही चूज़ कर रही हूँ। ग्रेड लेवल आपने जिस क्लास का रखा हो, जैसे ये मेरा ग्रेड 3 का है तो मैं ग्रेड 3 लिख रही हूँ। मेन कंटेंट इसमें किसके बारे में बात की गई है, तो फिर वही हो गया अनाउंस। आप टाइटल में अगर चाहें तो आप इस चैप्टर का नाम भी लिख सकते हैं, जिस चैप्टर या जिस स्टेट बोर्ड से आपने लिया है। अदर कंटेंट्स एसेंशियल नहीं है, अगर नाउंस के अलावा भी कुछ और चीज़ें आप इसके द्वारा बच्चों को बताना चाह रहे हैं तो वो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। एज ग्रुप ग्रेड 3 के बच्चे हैं तो उसके हिसाब से आप एक रेंज आप रख लीजिए कि इतने से इतने साल के बच्चों के लिए है। डिस्क्रिप्शन में आप एक लाइन कम से कम उसके बारे में लिख दें, लाइक किड्स विल लर्न अबाउट नाउंस, या बस कुछ भी आप अपने मन से आप एक लाइन एटलीस्ट लिख दें, वरना वो फिर ब्लैंक रहेगा बॉक्स, तो फिर वो पूछा जा रहा डू यू वांट टू शेयर द डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ। यानी बच्चे यदि इसको लाइव वर्कशीट को डाउनलोड करना चाहेंगे तो उन्हें करने का ऑप्शन आप दे दें, यस कर दें। और अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उस पर इसे कोई लिंक को डाल सकते हैं कि नहीं एम्बेडिंग लिंक, तो उसके लिए भी आप यस कर दें। और यस करके हमने इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद में ये आपका लिंक क्रिएट हो गया, जिस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए और आप फिर कंट्रोल सी करके आपको जहाँ व्हाट्सएप के विंडो पे हो या मेल पे हो जाके उसको पेस्ट कर लेना है, क्योंकि ये लिंक आप जिसके साथ शेयर करेंगे उसे डायरेक्टली ये वर्कशीट दिखेगा। अगर मान लेते हो कि मैंने ये वर्कशीट ऐसे ही बनाया था फॉर अ डेमो, अब मैं इसको हटाना चाहती हूँ, तो आप ओपन वर्कशीट पे दोबारा जाए, और ओपन वर्कशीट पे जाने के बाद में दो ऑप्शन है एडिट, जैसे कि हमने एडिट किया, एडिट करने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि वर्कशीट पे मैं कुछ चेंजेस करूं तो फिर वो चेंजेस कर ले, और चेंजेस करने के बाद में आप जब सेव बटन दोबारा दबाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन वही जो पहले आपने देखा कि आप ये वर्कशीट सबके साथ शेयर करना चाहते हैं कि नहीं, तो आप उसे यस कर लीजिए। सेकेंड में पूछा जाएगा कि क्या आपने जो वर्कशीट पहले से बनाया था उसी पे इसको वापस हमें सेव कर देना है या न्यू वर्कशीट है, तो हमने इसको सेम में ही सेव करना है तो हम रिप्लेस वर्कशीट को ऑप्शन चूज कर लेंगे, और फिर हम सेव का बटन दबा देंगे। सेव दबाने के बाद फिर वो सारे कॉलम्स आपको दिखेंगे जो आपने शुरू में भरे थे। अब इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, अगर चेंजेस ना हो तो आप सिर्फ और एक बार सेव के बटन को प्रेस कर दें। अब जो मैं बता रही थी, यदि मुझे ये वर्कशीट अच्छा नहीं लगा या मैं चाहती हूँ कि ये वर्कशीट अब हटा दो, तो उसके लिए अगर आप एडिट वर्कशीट पे जाते हैं, एडिट वर्कशीट पे आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो है डिस्कार्ड। आप जैसे ही डिस्कार्ड बटन प्रेस करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि वर्कशीट आपको डिलीट करना है, तो आप उस पर यस करेंगे तो ये वर्कशीट आपकी डिलीट हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मान लेते हो कि ये जो हमने पीडीएफ यूज़ किया, इस पीडीएफ में कुछ गड़बड़ी है, मे बी क्लास 3 की जगह क्लास 4 होना था, तो आपको पहले वर्कशीट जो वर्ड फाइल पे थी वो चेंज करनी होगी और उसको न्यू पीडीएफ में चेंज करना होगा। फिर आपको वापस जाना होगा ये फोर्थ वाले पे, स्टेप 1 अपलोड योर वर्कशीट पे आप दोबारा जाएंगे, फिर आप उस नई फाइल को चूज करेंगे, आप उसे अपलोड करेंगे, लेकिन आपकी जो कमांड्स हैं वो जो पहले से आपने दिए हैं वो सेम रह जाएंगे, सिर्फ आपका वर्कशीट बदल जाएगा। अब हम लास्ट जो कमांड है डिस्कार्ड, इस पे आते हैं। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिस्कार्ड दिस वर्कशीट, डिस्कार्ड यानी फेंक देना। ओके, तो आपकी जो वर्कशीट है वो वहाँ से हट गई, जो आपकी रफ वर्कशीट थी। अब जब भी आपको अपनी वर्कशीट्स देखने हो, आप अपने अकाउंट पे अपने नाम के पास जो कर्सर है उसे क्लिक करें और माई वर्कशीट्स आप क्लिक करें। अपने जो भी वर्कशीट्स बनाए होंगे वो सारे वर्कशीट्स आपको अपने डैशबोर्ड पे देखने लगेंगे। सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फिल इन द ब्लैंक्स तो एक शुरुआत है, इसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप, ट्रू एंड फॉल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग, ऐसे बहुत सारे और भी एक्टिविटीज आप दिखा सकते हैं। इन सारे कमांड्स को मैं आपके लिए लेकर आऊंगी सेकेंड वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक जो मैंने बताया वो समझा होगा, और आप भी अपने वर्कशीट्स बनाकर हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।